राम राम जी सारे ने फैमिली हार्डवर्क चैनल की तरफ है। तो भाई सब कानू हो रही थी अखर खुद में विकास ना हों भाई नाली या मत पानी ऊपर का जा है, ये गली खराब हो रही है या ये पानी की पुलिया खराब हो रही है। तो भाई एक गंभीर समस्या बनी हुई थी हमारा खरखोदा के लिए। तो भाई इस समस्या का निदान करने के लिए भाई कुछ काम होंगे ही वे, तो काम की शुरुआत होने वाली है। या मतलब कि सरकार ने पहल कर दिया है खरखोदा के लिए, भाई कुछ पैसे इस पर खर्चे जाएंगे। और जो ये 12 कॉलोनी भाई वेद करी थी हमारे मुख्यमंत्री खट्टर जी ने, तो भाई ये इविन के ऊपर हरेक वार्ड पे पैसा लगाया जाएगा, कितना लगाया जाएगा किस वार्ड पे, तो यो मैं अपने ही पढ़ के बताऊंगी। और सारा टोटल कितना है वो भी मैं अपने बताऊंगी, ध्यान से सुनियो, वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि 12 वार्ड है, हरेक वार्ड पे कितना लाख रुपया खर्च होगा मैं अपने बहुत आराम से एक एक वार्ड के बारे में बताऊंगी। और ध्यान से सुनियो, ये 27 कार्यों पर 12.75 करोड़ रुपया खर्च कराया जाओगा भाई, जो सारी कॉलोनी उसके ऊपर सारा जोड़ है। यो 27 कार्यों पर 12.75 करोड़ से ज्यादा खर्च करेगी नगर पालिका। ये हमारे खरखोदा का जिक्र है, जो सारे हमारे वार्ड है या और भी थोड़ा बहुत अन्य काम है उस पर इतने रुपये खर्च करे जाओगे। ध्यान से सुनियो, कोसी कॉलोनी पर कितना खर्च होगा मैं सारा 12 कॉलोनियों के बारे में आपने बताऊंगा। तो ये है 12.75 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि से खरखोदा में नई वेद कॉलोनियों में गलियां में नालियां बनाने के साथ जो अन्य कार्य हैं भाई वे भी सारे इसके साथ जो है टेंडर अलर्ट किए गए हैं। और जो ये कॉलोनी है SDM कार्यालय के पीछे PWD कार्यालय से रोहतक रोड गली निर्माण के लिए 18.65 लाख ड्रेन पुलिया व गली नालियां व अन्य छोटे मरम्मत कार्य पर 24.85 लाख, वार्ड 4 में रमेश से पुष्पाराज, प्रदीप से कप्तान में संदीप से बलवान मां, मास्टर राज सिंह से सतप्रकाश तेज सिंह से अशोक अजीत से चंद्र के मकान तक गली निर्माण पर 28.92 लाख रुपए, मुख्य बाजार में नालियां व गली की मरम्मत पर 5.60 लाख रुपए, नगर पालिका कार्यालय के लिए 15 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा जाओगा और नंदीशाला के लिए ट्रैक्टर ट्राली की व्यवस्था करने पर 6.43 लाख रुपए, पुराने नगर पालिका कार्यालय में CFC सेंटर चलाने के लिए व्यवस्था की जाएगी जिस पर 12 लाख खर्च होंगे। ये अलग अलग है भाई सब के, जिस कार्यालय पर जितने पीछे खर्च होंगे ये अलग अलग बताए गए हैं। और मैं इस क्षेत्र आपने बताऊ, प्राथमिक स्कूल वाली गली में निर्माण पर 10 लाख की राशि, वार्ड 3 में खर्च होंगे, दहिया कॉलोनी में 27.18, ईदगाह कॉलोनी में 18.62 लाख, प्रताप कॉलोनी में एक्सटेंशन में 101.3 लाख, कुलदीप कॉलोनी में 42.90 लाख रुपए की राशि खर्च होगी, गुरुकुल कॉलोनी में 116.52 लाख, अमित नगर कॉलोनी में 227.18 लाख, नेहरू कॉलोनी में, ये भाई नेहरू कॉलोनी में 16.37 लाख, आर्दश कॉलोनी में 14.86 लाख, संत कॉलोनी में 92.89 लाख रुपए, शास्त्री कॉलोनी में 155.34 लाख की राशि खर्च होगी, कोर्ट कॉलोनी के पीछे 4.53 लाख, कन्या महाविद्या कॉलोनी के पीछे 110.75 लाख, बिना नाम की कॉलोनी में 36.79 लाख रुपए, कल्पना चावड़ा कॉलोनी में 49.74 लाख, नाला सफाई पर भाई मेन पॉइंट जो नाला सफाई की समस्या सबसे बड़ी समस्या बनी हुई थी खरखोदा के लिए, जो पानी सड़क पर घूमया करता तो उसकी सुनो कितना रुपए उस पर खर्च होगा, उस पर खर्च होगा भाई 24.98 लाख, नगर पालिका की जमीन पर कब्जा लेने के लिए पहले से बनी हुई सीमेंटेड स्लैब्स पर 27.70 लाख रुपए खर्च होंगे भाई, जो किनारिया पर स्लैब बने हुए थे वे टूट गए थे, फूट गए थे काफी मात्रा में, आप भाई खरखोदा में इधर उधर घूमते भी होंगे, टूटे फूटे आपने भी देखे होंगे, कोई अंदर गिर रहा है, कोई है नहीं, कोई ठा ले गया, कोई बाहर पड़ा है, बुरी हालत में है, तो उस पर मतलब कि पैसा खर्च होगा नए स्लैब
बनाए जाऊंगे ताकि पानी जो एक्स्ट्रा पानी हो नाले का बाहर ना निकले और सड़क पर ना आवे। और जो स्ट्रीट लाइट है भाई, जो ये गलियां में लाइट लगे हैं, इन पर खर्च होंगे 7.30 लाख रुपए और रिपेयरिंग पर 45 लाख की लाख की राशि खर्च करी जाओगी। जो भाई टूट रही है फूट रही है उन पर भी मतलब कि जो 45 लाख रुपए खर्च करे जाओगे ठीक करने। पब्लिक टॉयलेटों की मरम्मत के लिए जो भाई पब्लिक टॉयलेट वगैरह बना रखे हैं उन पर खर्च होंगे 36.87 लाख रुपए। नगर पालिका सचिव संदीप कुमार का कहना है कि जल्द ही क्षेत्र के विकास में ये कार्य करवाए जाओगे, नोटिफिकेशन के बाद ही, और ये जो रजिस्ट्री है ये नोटिफिकेशन के बाद ही रजिस्ट्री होंगी। तो ये भाई मना आपकी ये 12 कॉलोनिया के खर्चे बता दें, कितना लाख रुपए किस कॉलोनी का होगा, एक एक चीज समझाइए। इब आप नु देखियो कल न भाई आपकी कॉलोनी में जो भी सुधार हुआ, गली बने हैं, नाली बने हैं, या हमारे जो ये स्लेप वगैरह हैं और भी कुछ इधर उधर का छोटा मोटा मरम्मत का काम है, ये पुलिया वगैरह बने हैं, तो भाई आपकी गलियों में कितना सुधार और कितना लाख रुपया खर्चा जाओगा यो हिसाब आप देखियो। बढ़िया सीमेंट गिरवा कर बढ़िया मतलब कि काम करवाइयो ताकि लंबे समय तक चले और ये टूटे नहीं, क्योंकि कम सीमेंट गेर का ना और ये बनाते हैं ये फिर बहुत ही मतलब जल्दी टूट जाए हैं, अतः मतलब कि फिर बाद में जो हमारे ये नागरिक आने जाने वाले ना बहुत परेशानी हुआ है पानी में, ये पानी गलियां के ऊपर का जाया रहा है सारा, और जो रात न या दिन में गाड़ी जावेंगी सारी छिट्टे मारती चली जाएंगी, तो इसमें भाई मार जिस परेशानी हुआ है, जबकि इतना भर भर के पैसा मतलब दे रखा है, मंजूर कर दिया है, तो भाई कमी किस चीज की है। हम भाई उन तभी जो हमारे यहाँ के विधायक हैं बड़े हैं छोटे हैं जो भी भाई उन तभी हम रिक्वेस्ट करेंगे अगर बढ़िया सीमेंट गेर का और बढ़िया मतलब कि मजबूत काम करो ताकि भाई आगे आने का आपने दोबारा भी मौका मिला, क्योंकि काम बोलता है नाम नहीं बोलता भाई, काम बोलता है, काम करो गई पब्लिक बहुत सियाणी हो रही है, वो पेड़े वे नारे एक भी आदमी किसी चीज का ज्ञान नहीं है, तो भाई बढ़िया चीज बनाओ। या हमने आज खर पद अखबार में आपसे जानकारी दी है भाई, बहुत मतलब कि यह एक हमने कमी लाग्या करती भाई, पानी की समस्या हमारे खरगोदा के लिए बहुत ही गंभीर समस्या बनी हुई थी, तो भाई इसका भी निदान बहुत जल्दी हो जाएगा। तो भाई मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राम राम सारे ना।